नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी का है, जहां पर बड़े हर्षोल्लास के साथ वीरांगना झलकारी बाई कोरी का 192वीं जयंती मनाई गई। आपको बता दें, वीरांगना झलकारी बाई कोरी का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में एक कोरी परिवार में हुआ था। झलकारी बाई बचपन से ही बहादुर और निर्भीक थी। उनकी वीरता की कहानियां बचपन से ही मशहूर होने लगी थी। इस जयंती पर अमेठी में झलकारी बाई अमर रहे के नारे गूंजे और गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर अंबेडकर प्रतिमा से गांधी चौक होते हुए सगरा तिराहा से वापस कोतवाली तिराहा सदन तिराहे के सामने से रामलीला मैदान होते हुए अंबेडकर तिराहे पर जुलूस का समापन किया गया। इस जयंती के मौके पर महिला आयोग की पूर्व सदस्य शकुंतला भारती ने कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना झलकारी बाई कोरी ने ही झांसी की रानी की वेशभूषा में अंग्रेजों की सेना से जमकर मुकाबला करके सेनाओं को मार गिराया था। घोड़े पर सवार होकर कक्षा 11 की छात्रा साक्षी ने झलकारी बाई की मुख्य भूमिका निभाई। इस झांकी के संयोजक संजय कुमार कोरी, सह संयोजक प्रमोद कुमार राव, रामफल फौजी, राम शंकर दानी, रामचंद्र ने सम्मिलित हुए सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। और बामसेफ के जिला अध्यक्ष संयोजक संजीव भारती ने मां झलकारी बाई के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम का संचालन इंद्रपाल गौतम ने अपने हाथों से किया। कार्यक्रम में कैलाश कुमारी, ज्योति वर्मा, किस्मत भारती, संगीता प्रतिमा, दयाराम बौद्धाचार्य, राम कृपाल, कुल रोशन राव, हरकेश, अरुण कुमार शास्त्री, मंडल अध्यक्ष अयोध्या भीम आर्मी अपने साथियों के साथ हरिश्चंद कोरी, सत्यम सियाराम, रामपाल, सत्येंद्र कुमार आदि मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। रीजनल हेड अयोध्या राजकुमार कोरी की खास रिपोर्ट।